मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं, उस काम में लगा हूं। और एक छोटा सा नियम बता दूं खाने का, दोपहर को खाना खाने के बाद हमेशा आराम करो, दोपहर को खाना खाने के बाद हमेशा आराम करें, दोपहर को खाना खाते ही कभी भी काम ना करें। क्यों नहीं करें? दोपहर को जब आप खाना खाते हैं, सूर्य का प्रकाश बहुत तेज होता है, शरीर पर उसका प्रभाव होता है और उस समय ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होता है। आप जानते हैं जब ज्यादा गर्मी में आप हैं तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, सूर्य के ताप से रक्त का दबाव बढ़ता है, रक्त का दबाव बढ़ेगा तो फिर वही समस्या आएगी खाने के पाचन में। रक्त का दबाव बढ़ेगा इसका मतलब सारा रक्त आपके मस्तिष्क में इकट्ठा है, रक्त का दबाव बढ़ने का मतलब रक्त चाहिए हमें पेट में खाने को पचाने के, और वो है मस्तिष्क में। तो कहा यह गया कि आप अगर रक्त के दबाव को बढ़े हुए समय में खाना खा लिया और काम पे लग गए, दोपहर को खाना खाते ही काम पे लग गए, तो रक्त का दबाव और बढ़ेगा, काम करेंगे तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है, आप कुछ भी करें बीपी बढ़ता है, फिर करना छोड़ दें बीपी घटता है, ये हर समय चलता रहता, घटना बढ़ना घटना बढ़ना घटना बढ़ना। समस्या तब आती है जब ये घटना बढ़ना बंद हो जाए। मैंने कोई काम, हाँ इसको समझ लीजिए, बहुत गहरी बात सरल शब्दों में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हर समय हर स्थिति में ब्लड प्रेशर बढ़ना और घटना चालू रहता है। मैंने ये गिलास यहाँ से उठाया, मेरा बीपी बढ़ गया और यहाँ छोड़ दिया, अपने आप बढ़ गया। एक कदम भी आपने चला, आपका बीपी बढ़ गया, शांति से खड़े हो गए, बीपी घट गया। आपने कुछ भी काम किया, फावड़ा चलाया, कुदाली चलाई, बीपी बढ़ गया, जैसे ही विश्रांति ली बीपी घट गया। तो ये बीपी घटना बढ़ना हर समय चालू रहता है। महत्व की बात ये है कि बीपी जब बढ़ जाए तो उसके बाद कम भी होना चाहिए अपने आप, तब तो ठीक है, लेकिन अगर बढ़ ही गया, कम नहीं हो रहा है, तब डॉक्टर आपको कहेगा आपका ब्लड प्रेशर हाई है, तब वो आपको गोली देगा कि इससे बीपी घटे। अपने आप ही घटता है बीपी और अपने आप ही बढ़ता है, जब तक बढ़े बढ़ने दो, फिर घटना चाहिए, नहीं घट रहा है तब चिंता करिए, और जब तक अपने आप बीपी घट रहा है बिंदास कुछ भी करिए। तो जब दोपहर का खाना खाया, ब्लड प्रेशर बढ़ा, सूर्य के दबाव में और ज्यादा बढ़ा, कुछ भी काम करेंगे और बीपी बढ़ेगा, बीपी बढ़ेगा तो मैं आपको एक ही जानकारी दे रहा हूँ, सारा रक्त दिमाग में इकट्ठा होगा, मस्तिष्क में इकट्ठा होगा, रक्त की जरूरत उस समय पेट को है खाने को पचाने के लिए, और रक्त चला गया मस्तिष्क में तो खाना ठीक से नहीं पचेगा। इसलिए नियम बनाया गया, अशांत हृदय में उसको लाया गया कि दोपहर का खाना खाते ही विश्राम करें ताकि ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहे। अब आप ये पूछेंगे कि कितना करें, तो कम से कम 48 मिनट जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा अगर आपकी उम्र 60 वर्ष से ऊपर हो चुकी है तो 1.5 घंटे तक भी आप कर सकते हैं। 48 मिनट तो सबको करना ही चाहिए, कम उम्र है तो भी ज्यादा। अब आप सोचिए हमारे बुजुर्गों में कितनी इंटेलिजेंसी रही है, सारे पुराने लोग फिर गलत शब्द में इस्तेमाल कर रहा हूँ, कभी कोई चीज पुरानी नहीं होती, लोग भी पुराने नहीं होते, ऐसा कहना चाहिए भारतीयता को मानने वाले सब लोग दोपहर को खाना खाके आराम ही करते हैं, चाहे करोड़ों रुपए का उनका धंधा दरवाजे पर खड़ा है, दोपहर को आराम करेंगे, वो बहुत जरूरी है, दोपहर को खाना खाते ही आराम करना जरूरी है। आप सब माताएं बहने इस काम को आज से शुरू करें। आप बोलेंगे घर का काम बड़ा है, मैं कहता हूं घर का कोई भी काम इतना बड़ा नहीं जितना बड़ा आपका शरीर का स्वास्थ्य है। 1 घंटे बाद हो जाएगा घर का काम, वो तो चलता ही रहता है, खाना खाते ही कोई काम ना करे, ना बर्तन साफ करे, ना झाड़ू लगाए, ना कुछ करे, ना कुछ करे, आराम करे। और आराम करने के लिए सबसे अच्छी अवस्था बताई गई है कि आपने खाना खा लिया तो या तो वज्रासन में बैठे, वज्रासन आप समझते हैं पैर मोड़ के पीछे, और नहीं तो वाम कुक्षी करें, वाम कुक्षी माने लेफ्ट साइड, बाईं तरफ आप लेट जाएं, ऐसे वो सबसे अच्छा आराम करने का तरीका। 48 मिनट उस आसन में आप रहे, वाम कुक्षी में या वज्रासन में, फिर उसमें नींद आ गई
तो जरूर उस नींद को लें, क्योंकि वो सबसे कीमती है। जबकि लग जाए तो आपसे सुखी आदमी की दुनिया, क्योंकि उस झपकी को लाने के लिए लोग लाखों रुपए की गोलियां खाते हैं फिर भी नहीं आती। आपको आ रही है, बहुत सुखी है, आप जान लीजिए। और मैं फिर कह रहा हूं, दुनिया की करोड़ों रुपए की दौलत दोपहर के भोजन की 40 मिनट की झपकी से बड़ी नहीं है, करोड़ों रुपए की दौलत। क्योंकि करोड़ों रुपए कमा रहे ना अपने ये, और ये शरीर तो फोकट में ही सुख दे रहा है, झपकी ले लो। अब आपको महसूस भी होगा, आप इसको ध्यान से देखिएगा, जब भी दोपहर को खाना खाएंगे थोड़ा आलस्य आएगा, वो शरीर की जरूरत है इसलिए आलस्य आता है। अब आप जबरदस्ती अपने आप को अटेंशन में रखकर वो आलस्य को ध्यान में नहीं करेंगे, थोड़े दिन में समस्या शुरू हो जाएगी। सबसे पहले बीपी बढ़ना शुरू होगा, और वो बीपी बढ़ते हुए हार्ट अटैक तक जाएगा। जब हार्ट अटैक आएगा तो डॉक्टर कहेगा आराम करो, फिर आप करोगे, लेकिन लाखों रुपए देने के बाद, मैं पहले ही बता रहा हूँ, कर लो पॉकेट में। वो डॉक्टर आराम करवा देगा, एक तो लाखों रुपए ले लेगा, हॉस्पिटल में और डाल देगा। तो आराम नहीं करना है तो डॉक्टर के पास क्यों करें हम हमारे, तो खाते ही आराम करें।